जी हाँ दोस्तों, बहुत कमाल का ये वीडियो है गाइज। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह से आप अपने फोटो को मनचाहा एडिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मनचाहा इसलिए बोल सकता हूँ कि आप अपने फ्यूचर को देखते हुए आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप अपने फ्यूचर को देखते हुए एडिट कर सकते हो कि आप 50 साल के बाद किस तरह का दिखने वाले हो। सपोज मेरी दाढ़ी अभी छोटी है, मैं अगर थोड़ी बड़ी रखूँ दाढ़ी तो मैं मतलब 2-3 महीने के बाद मतलब मैं किस तरह का दिखने वाला हूँ, वो चीज़ अभी आप पहले एडिट करके खुद देख सकते हो कि आप मतलब बाद में किस तरह का दिखने वाले हो। सपोज मेरे पास बाल है, अगर मैं इसे रिमूव करूँ तो मैं किस तरह का गंजा में दिखने वाला हूँ। गाइस ये सब आप एक एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसे कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप मनचाहा फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, जिस तरह से मर्जी आप कई अलग अलग तरीके से आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करना है। देखिए ये मेरा ऐप गैलरी है, यहाँ पे आपको सर्च करना है फेस ऐप। तो देखिए सबसे ऊपर वाला जो है यहाँ पे फेस ऐप आपको दिख रहा है, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। देखिए फर्स्ट वाला आपको इंस्टॉल करना है, ये देखिए इंस्टॉल का बटन दिया, इस पर क्लिक करना है आपको, थोड़ा सा इंतज़ार करना है बस। हाँ तो देखिए मेरा ये फाइल डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। गाइज ओपन होने के बाद ये ऐसा का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखे, आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर से आप एक बार नेक्स्ट करें, फिर से नेक्स्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद गाइज कम्प्लीटली आपको जब आप फेस ऐप दोबारा से आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। फर्स्ट में आपको ये कैमरा दिखेगा, फिर गैलरी है, फिर डेमो है, इस तरह का आपको इंटरफेस दिखने वाला है। अगर आप अपनी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं तो आप गैलरी पे क्लिक करके आप वहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डेमो दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था। चलिए मैं डेमो पे क्लिक कर लेता हूँ। डेमो पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का फ़ोटो यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। तो ये जो आदमी का फ़ोटो है, मैं इसको ले लेता हूँ जो आपने थंबनेल पे देखा था। क्लिक करने के बाद देखिए लोडिंग हो रहा है। देखिए ये लोडिंग हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप मनचाहा एडिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मनचाहा। तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे फर्स्ट में देखिए इम्प्रेशंस है, साइज है इसका, स्माइल, उसके बाद हेयर स्टाइल है, बियर्ड है, स्किन, एज, जेंडर, हेयर, ग्लासेस, मेकअप, फेस स्वैप, फिल्टर, एडजस्टमेंट, क्रॉप, बैकग्राउंड, कई अलग अलग चीज़ें हैं इसमें गाइज। सपोज मैं इसको आपको हेयर स्टाइल चेंज करके दिखाता हूँ इसका। सपोज मैंने जैसे कि बताया था कि मेरे पास बाल है, आप अभी रिमूव कर सकते हैं, इसे रिमूव करके आप देख सकते हैं कि आप बाद में कैसा दिखने वाले हैं। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक क्लिक में आपको बता दे रहा है कि आप किस तरह से बाद में दिखने वाले हो। अब मैं इस पर लॉन्ग टू पे क्लिक करता हूँ, इस पर देखिए ये बंदा किस तरह का दिखने वाला है। सिर्फ एक क्लिक पे गाइस सब आसान तरीके से मैं कर पा रहा हूँ। देखिए मैं अब दूसरे पे हेयर कट पे मैंने क्लिक किया, हेयर कट में ये बंदा इस तरह का दिखने वाला है। लॉन्ग में सिर्फ इस तरह का दिखने वाला है। देखिए कई अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको सपोज ये वाला बाल चाहिए, सपोज ये वाला चाहिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से नीचे अप्लाई कर सकते हैं। एक तरफ कैंसिल है, दूसरी तरफ अप्लाई है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से कैंसिल करके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि बियर्ड आप चेंज करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फुल बियर्ड में ये बंदा इस तरह का दिखता है, उसके बाद हिपस्टर में इस तरह का कुछ दिखेगा। कई अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। मैं जैसे कि बताया था आपको कि थंबनेल पे जिस तरह का था, मैं आपको उस तरह से करके एज दी गई है। एज में यहाँ पे कमाल की चीज़ दी गई है। सपोज ये बंदा टीनेज में किस तरह का दिखता था, वो देखिए एक क्लिक में सब ये हो रहा है। चिल्ड में कैसा दिखता था वो, हाँ तो मैंने जो थंबनेल पे लगाया तो चिल्ड था। यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ इसे। अप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे ग्लासेस दिया गया है। ग्लासेस में आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं। मैंने किए ये सेकंड वाला मैंने ग्लासेस चॉइस किया था। तो जी इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद गाइस इसका मैं बियर्ड सेट करता हूँ। फिर से देखिए इस तरह से कर सकते हैं आप। मैंने ये हिपस्टर मैंने किया था, हिपस्टर लेता हूँ यहाँ से। देखिए मैंने इसे सेट कर लिया। अब मैं हेयर पे चलता हूँ, हेयर स्टाइल इसका को चेंज करते, हेयर कलर में चेंज करने वाला हूँ इसका। देखिए यहाँ पे कई अलग अलग कलर्स हैं, मैं चेंज करके आप दिखा दो। देखिए एक क्लिक में ये सब पूरा कंप्लीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे कई तरीके के हेयर स्टाइल है, आप अलग अलग तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देखिए प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है,
देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद इसमें आप ये एडजस्टमेंट पे क्लिक करके आप इसमें एडजस्टमेंट में थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं या ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। हाँ ये सही है। अब मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ये सब सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इससे मैं साइड साइड से थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। गाइस फिल्टर में आप जाके फिल्टर में कई अलग अलग फिल्टर्स दिए गए हैं। अब इसमें से सपोज मैंने ये वाला चॉइस किया, इसको मैं मतलब ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखिए क्या कमाल का एडिटिंग है। जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पे बताया था कि कई अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को दबाकर ऑल कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।